अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैनुल अक्वामी मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीबो तफसील। अमरीका में 19 खरब डॉलर का कोरोना इमदादी पैकेज मंजूर। इस पैकेज को वैक्सीन, तिब्बी आलात, कारोबार की बहाली और शहरियों की इमदादी रकम की फराहमी में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का वली अहद पर खाशगी के कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद है। सऊदी अरब। आयरलैंड में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ शहरी इस सड़कों पर निकल आए, 23 गिरफ्तार। चौधरी सरवर के बेटे अंस स्कॉटिश लेबर पार्टी के पहले मुसलमान सरबरा मुंतखिब। अक्वामे मुत्तहिदा में म्यांमार के सफीर गद्दारी के इल्जाम में बरतरफ। हेटी में जेल टूटने का वाकया, 25 अफराद हलाक जबकि 400 कैदी फरार। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली शमीमा बेगम से मुतल्लिक फैसला सुना दिया। सऊदी अरब का दिफा और इसके साथ तिजारत जारी रखेंगे अमरीका। रियाज के साथ ताल्लुकात दोनों ममालिक के माबेन मुश्तरक मफादार और इकदार की अक्कासी करते हैं, वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन। शाम में फिजाई हमलों की इजाजत देने पर जो बाइडन पर कड़ी तनकीद। शाम में अमरीकी फौजी हमला जो बाइडन की सदारत में होने वाला पहला हमला है, जिस पर इन्हें मशरिक वुस्ता की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। अमरीकी सदर की सऊदी फरमा रवा से गुफ्तगू में इंसानी हकूक की अहमियत पर जोर। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को ईरान की जानिब से लाहक खतरात से तहफ्फुज को यकीनी बनाने के अमरीकी अज़्म का अदा किया। व्हाइट हाउस बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीबो तफसील। जमाल खाशगी का कत्ल, अमरीकी रिपोर्ट पर पाकिस्तान का मौकफ भी सामने आ गया। सऊदी हुकूमत ने जमाल खाशगी के कत्ल में मुलव्वज़ किरदारों को सजा दिलवाने के लिए इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए। सेनेट इलेक्शन, कई हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, बिलावल भुट्टो का दावा। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को वोट देने का मतलब आईएमएफ का साथ देना होगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने मुल्क में मजीद 23 अफराद की जान ले ली। और आइए नाज़रीन अभियान बुलेटिन में शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया से अहम खबरें। LOC सीज़ फायर मुआहिदा, भारत से तिजारत बहाल होने का इम्कान। पहले मरहले में हुकूमत हमसाया मुल्क से कपास की दरामद की इजाज़त दे सकती है। सिंध मादनी ज़खायर से मालामाल, मगर अदाद और शुमार दस्तयाब नहीं। मौसम बहार की आमद पर PIA ने किरायों पर खसूसी रियायत मुतारिफ करा दी। बैन अलावी मार्केट में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई। ये कमात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, फिर बहरान पैदा होने का खदशा। ये नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अजीबो गरीब खबरों की दुनिया में। काम से बचने के लिए अपने अगवा का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। अब मकामी अदालत में इसके खिलाफ पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। और आइए नाज़रीन, अब आपके लिए चलते हैं हेल्थ वर्ल्ड में। क्या अंडे खाने से वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अंडों की वजह से अक्सर लोगों में LDL कोलेस्ट्रॉल या मजमूई सेहत पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर पेश कर दिया। आइसोसेल GN2 कहलाने वाला ये कैमरा सेंसर स्मार्टफोन डिजिटल फोटोग्राफी में एक नया इनकलाब साबित होगा। और आइए नाज़रीन, अब बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से अहम खबरें। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की तबीयत नासाज। अमिताभ बच्चन के मदाहों की जानिब से अदाकार की जल्द सेहतयाबी की दुआएं की जा रही हैं। रवीना टंडन की बेटी ने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। सरप्राइज डे के 2 साल अली गुल पी ने फैंटास्टिक टी डे तराना जारी कर दिया।
नुमान एजाज बेटे की इंडस्ट्री में एंट्री से मुतलिक अवाम की तनकीद पर बोल पड़े। और आइए नाज़रीन अब यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से अहम खबरें। भारत में T20 वर्ल्ड कप से मसला नहीं, चेयरमैन PCB वीजों और सिक्योरिटी की यकीन दहानी चाहते हैं, ICC से राबता कर लिया चेयरमैन बोर्ड। यूनाइटेड गलतियां ना दोहराने के लिए पुरअज़्म, 100 T20 विकेट शाहीन ने बामरा से कम उम्र तरीन बॉलर का एजाज छीन लिया। के साथ ही अब तक की देसी टीवी USA से खबरों का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।